चैनल ईट विद जील। तो आज हमारे साथ नायरा भी है और मैं और नायरा दोनों मिलके आज फ्राइड राइस बनाएंगे। नायरा, आपको फ्राइड राइस खाना पसंद है? बहुत पसंद है ना? तो आज हम दिन के बचे हुए चावल से फ्राइड राइस बनाएंगे। ये रेसिपी आप सबको बहुत पसंद आएगी। तो चलो फिर हम इसकी फटाफट रेसिपी ट्राई करते हैं, ठीक है? बाय कर दो। बाय। फ्राइड राइस बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 10 चम्मच बारीक कटी सब्जियाँ ली है, जिसमें 2 चम्मच शिमला मिर्च, 2 चम्मच गाजर, 2 चम्मच पत्ता गोभी, 2 चम्मच बीन्स और 2 चम्मच प्याज है। आधा चम्मच बारीक कटा अदरक लहसुन और 1 बारीक कटा हरी मिर्च, उन सबको मैंने इस प्लेट में मिक्स कर लिया है। दोस्तों, आप अपने पसंद की इसमें कोई भी सब्जियाँ डाल सकते हैं, जैसे मटर, गोभी, जो भी आपको पसंद हो आप वो डाल सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे मेरे पास 2 कटोरी दिन का बचा हुआ राइस है, तो मैं इसका यूज करके फ्राइड राइस बनाने जा रही हूँ। आप चाहें तो 1 से 1.5 कप चावल बना के उसका भी फ्राइड राइस बना सकते हैं। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारा चावल गीला ना हो, चावल एक दूसरे से चिपके नहीं। मैंने एक कढ़ाई लिया है जो गर्म हो गया है, जिसमें मैंने 2 चम्मच रिफाइंड डाला है। आप अपने पसंद का कोई सा भी वेजिटेबल ऑयल यूज कर सकते हैं। ऑयल गर्म होने के बाद मैं इसमें कटी सब्जियां डाल रही हूँ। इन सब्जियों को हमें पहले 1 मिनट तक हाई फ्लेम पे ऐसे ही चलाते हुए भून लेना है, और जैसे ही हमारा 1 मिनट हो जाएगा हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे, जिससे कि हमारी सब्जियां जले नहीं। यहाँ पे मैं 1/4 चम्मच नमक डाल रही हूँ। नमक डालने से जो हमारा वेजिटेबल है वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, पकने लगेगा। नमक डाल के हम इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख रहे होंगे जैसे जैसे हम इसे मिक्स करेंगे ये थोड़ा सॉफ्ट होना शुरू हो जाएगा। इसमें मैं 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, और उसे भी सब्जियों के साथ हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब तक हम इसमें मसाला ऐड करेंगे, पूरे प्रोसेस में हमें गैस का फ्लेम लो रखना है, वरना मसाले भी जल जाएंगे और साथ में हमारी सब्जियाँ भी जल जाएगी। अब यहाँ पे 1 चुटकी काली मिर्च पाउडर डाल रहे हैं। काली मिर्च पाउडर डालने से जो फ्राइड राइस का टेस्ट होता है वो दुगना हो जाता है। काफी बढ़िया फ्लेवर आता है काली मिर्च का, तो दोस्तों आप इसे जरूर डालें। जो भी मसाले मुझे फ्राइड राइस में यूज करने थे मैंने वो डाल दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो बारीक कटा अदरक और लहसुन है, इसको डालने में कतई मतलब आप कंजूसी ना करें, वरना जो हमारे फ्राइड राइस का एक चाइनीज फ्लेवर आता है वो अदरक लहसुन से ही थोड़ा आता है, तो उसे अच्छे से डालें। और अगर आपके पास हरा प्याज है या फिर अलग अलग कलर के शिमला मिर्च हैं वो डालें, तो इन सब से हमारा जो फ्राइड राइस है काफ़ी कलरफुल दिखेगा। अब मैं इसमें चावल डाल रही हूँ, क्योंकि हमारे जो सब्जियां हैं वो पक गया है, और चावल डाल के हमें धीरे से चलाना है। मतलब आप देख रहे होंगे जैसे कि मैं एक साइड से उठा रही हूँ और इसे फिर ऊपर की तरफ पलट दे रही हूँ, और हल्के हाथों से इसे मिक्स करते हुए सारे वेजिटेबल्स, मसाले और चावल को हमें यहाँ पे मिक्स कर लेना है। गैस का फ्लेम हमें अभी भी लो ही रखना है। अगर आप चाहें तो मीडियम रख सकते हैं, मीडियम और लो पे ही आप अपने इस फ्राइड राइस को बढ़िया तरीके से बनाइए, हाई फ्लेम पे जल सकता है इसलिए। मैं यहाँ पे चावल के ऊपर 1/2 चम्मच सोया सॉस डाल रही हूँ। आप सोच रहे होंगे मैंने ये सोया सॉस सब्जियों के साथ क्यों नहीं डाला है, जो सब्जियों का ओरिजिनल कलर है वो छिप जाता है सोया सॉस डालने से, डार्क हो जाता है। यहाँ पे मैं 1/2 चम्मच विनेगर डाल रही हूँ। सोया सॉस और विनेगर से जो एक चाइनीज फ्लेवर आता है फ्राइड राइस का वो बहुत बढ़िया आता है। इन सबको डाल के हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इन्हें 1 से 2 मिनट तक हम ऐसे ही थोड़ा चलाते हुए भून लेंगे। हमें हल्के हाथों से धीरे धीरे चलाना है, ध्यान रखना है कि हमारा राइस ना टूटे। फ्राइड राइस में मैं अब चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे 1/4 चम्मच से थोड़ा सा कम चिली फ्लेक्स डाला है। अगर आप ज्यादा स्पाइसी खाते हैं तो आप यहाँ पे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चिली फ्लेक्स डाल सकते हैं। अगर आप कम स्पाइसी खाते हैं तो उसे स्किप भी कर सकते हैं। चिली फ्लेक्स से भी बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। इन सबको हम डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1 से 2 मिनट तक
लो फ्लेम पे और अच्छे से हमारे फ्राइड राइस को हल्के हाथों से चलाते हुए भून लेना है। अगर आप यहाँ पे फ्राइड राइस का टेक्सचर देखना चाहें तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया फ्राइड राइस का टेक्सचर आया है। एक चावल दूसरे चावल में बिल्कुल भी नहीं चिपका है, जबकि मैंने दिन का बासी चावल यूज़ किया है, तो यहाँ पे फिर भी मेरा चावल आपस में एक दूसरे से नहीं चिपका है। कितना बढ़िया खिला खिला चावल बना है। तो सोचिए दोस्तों, अगर आप फ्रेश चावल बना के एट ए टाइम फ्राइड राइस बनाए तो उसका टेस्ट और भी बढ़िया आएगा। बट यहाँ पे मैंने पुराने चावल का यूज़ किया है, तो आप चाहें तो इस तरीके से पुराने चावल का यूज़ कर सकते हैं। फ्राइड राइस हमारा तैयार हो गया। गैस का फ्लेम हमने ऑफ करके फ्राइड राइस को एक प्लेट में निकाल लिया है। दोस्तों, आप इसमें बारीक कटी प्याज की पत्तियां भी मिक्स कर सकते हैं और धनिया की पत्तियों से इसे गार्निश कर सकते हैं। लॉकडाउन के कारण मेरे यहाँ ये सब नहीं मिल पा रहा है, तो मैंने इसे सिंपल ही रखा है। गर्मा गर्म फ्राइड राइस तैयार हो चुका है। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो जरूर ट्राई कीजिए। अपना एक्सपीरियंस हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नए वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू।